नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे CET मेंस के रिजल्ट को लेकर और आपकी ज्वाइनिंग को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। साथियों, क्लियर हो चला है, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नायब सिंह सैनी जी, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट आ गई, वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। उनके द्वारा बोला गया है कि भाई इस पद से पहले पहले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और CS ऑफिस से भी अपडेट आ रही हैं, बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भाई आज रात को ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और सभी अलग अलग जो डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं, हेड ऑफिसज हैं, उनके द्वारा भी जो ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। अभी 16 से लेकर और 19 के बीच में जो भी कर्मचारी छुट्टियों पर जाना चाहेंगे उनको छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि 16 से 19 के बीच में जो न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसमें क्लियरली मेंशन हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों के पदों पर ज्वाइनिंग और पदस्था हेतु विभाग को चयनित उम्मीदवारों की सूची भेजी जानी, जिसकी पालना में श्रम विभाग है हरियाणा चंडीगढ़ और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड मुख्यालय द्वारा इन उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग के साथ साथ पदस्था संबंधित आवश्यक कार्य किया जाना है, ताकि इसमें किसी भी कैंडिडेट को जो छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसमें लेटर जारी किए गए हैं। जो प्रिजन हेडक्वार्टर है उसके द्वारा भी लेटर जारी किया गया है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन हरियाणा के द्वारा, कि भाई इमरजेंसी ड्यूटी रहेंगी क्योंकि न्यूली जो रिक्रूटेड कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग इसमें कराई जानी है। इसी प्रकार से अगला अगर मैं लेटर की बात करूँ, ये एक और लेटर आया है आयुक्त गुरुग्राम के द्वारा, कार्यालय आदेश हैं, आयुक्त महोदय के आदेशों की पालना में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। ग्रुप डी कॉमन कैडर की ज्वाइनिंग हेतु प्रतिदिन की भांति दिनांक 17 से 19 तक कार्यालय खुले रहेंगे, यानी कि ग्रुप डी का भी जो आपका रिजल्ट आएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी और मेंस का। तो फ्रेंड्स, अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।